खान, खान, करीम बख्श, कैसी जरूरत है? मैं मर गया हूं कि तुम खान को इस तरह से बुलाओ? कोई अदब है, कोई लिहाज है? वो बात ही कुछ ऐसी है वक्त जो खान को बता सकता हूं। मुझे बताओ, मैं खान को बताऊंगा। वक्त बात उनके घर की है। क्या हुआ? वो कल रात को मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए? मोहब्बत नहीं समझे? जो मोहब्बत इजीली अवेलेबल होती है ना, वो सच्ची नहीं लगती। सच्ची मोहब्बत के लिए तो सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसे कहते हैं असल मोहब्बत। अब इस मीरब को देखो, अब तक पड़ी सो रही है। ये नहीं कि जाके मरियम को नाश्ता दे आए। मैं देकर आती हूँ मरियम को नाश्ता। रहने दो, हमारे यहाँ रिवाज है कि शादीशुदा बहनें या भावजे देकर आती हैं पहले दिन का नाश्ता। हद होती है। तो फिर आप उठाएं मीरब को। भाई साहब को तो देखो, वो तो भूले बैठे कि बहन की शादी हुई। खुदा जाने कहाँ गायब है और बीवी पड़ी सो रही है। तुम कहाँ थे? क्या हुआ माँ, कोई काम है? बहन की रुख्सती पर भी नहीं आए तुम। नजर नहीं आए कहीं? जानते हो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। तुम थे कहाँ? इतनी खुशी थी तुम्हें मीरा के आने की कि बहन की रुख्सती भूल गए। सब पूछ रहे थे भाई कहाँ है, भाई रुख्सती में नजर क्यों नहीं आ रहा। गलती हो गई मां। काश मैं यहां होता, अपनी बहन को खुद रुख्सत करता। माफ करते हैं। रहने दो, माफी की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस खानदान के सरबराह हो, जाओ और जाकर अपनी बीवी को उठाओ। उसे साथ लेकर जाओ, मरियम का नाश्ता पहुंचाओ। वो हमारी राह देख रही होगी। मीरब को लेकर आता। खान, नौरेस खान साहब आए।
क्या नौरेज और मरियम आए? अरे मेरी बच्ची, जाओ जाकर बुलाओ। मुर्तज़ा चलो ना, नौरेज और मरियम से मिलते हैं। कल रात भी तुम नहीं थे और अभी भी अंदर जा रहे हो। अरे बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बेटे। कैसे हो? ठीक। मरियम कहाँ है? जी मरियम नहीं आई, मैं अकेला आया हूँ। मरियम ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे बता दिया कि आप लोगों ने उसकी शादी जल्दी की। ये भी बता दिया कि मलिक जुबैर ने उसके साथ क्या किया। देखो बेटा, मरियम का कोई कसूर नहीं है, वो मासूम है। उसे तो पता भी नहीं था कि मलिक जुबैर उसे। मेरा यकीन करो, मेरी बच्ची के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो पाक दामन है, बिल्कुल मासूम है। मुझे क्यों बता रही हैं आप मुझे? क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा।